स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का एक पोयम एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है द ट्रीज और इसके राइटर हैं एड्रेन रिच। एड्रेन रिच की यह पोयम क्लास 10 सीबीएसई में है और यह पोयम ली गई है फर्स्ट फ्लाइट बुक से। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे डिसलाइक करें, और आप चैनल पे किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। द ट्रीज। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई ऐसा जंगल हो सकता है जिसमें कोई पेड़ ही ना हो? बिना पेड़ों के जंगल संभव है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम एंड वेयर डू दे गो? इस कविता में पेड़ कहाँ पे हैं और वे कहाँ जाते हैं? पेड़ कहाँ पे हैं और कहाँ जाते हैं, इस बारे में चर्चा की गई है, इस बारे में पोएट ने बताया है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, वेयर नो बर्ड कुड सीट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरीज इट्स फीट इन शैडो, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। The trees inside are moving out into the forest. पेड़ जो अंदर हैं वे जंगल की तरफ जा रहे हैं, जंगल की तरफ पलायन कर रहे हैं। अंदर से मतलब है जो हमारे घरों में हैं, बागीचों में हैं, हमारे लान में हैं, हमारे पार्क में हैं या घर के आसपास हैं। इन स्थानों पे जो पेड़ हैं वे जंगल की तरफ जा रहे हैं या जंगल की तरफ पलायन कर रहे हैं। और किस जंगल की तरफ पलायन कर रहे हैं? द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डे। वे जंगल जो इन दिनों पूरी तरह से खाली हो गए हैं, बियावान हो गए हैं, जहाँ से पेड़ों को काट दिया गया है और वृक्ष विहीन हो गए हैं, ये जंगल, वहाँ पे पेड़ जा रहे हैं जो हमारे घरों में हैं या आसपास हैं। फेयर नो बर्ड्स कुड सी, नो इंसेक्ट हाइड। ऐसे जंगल जो वृक्ष विहीन हो गए हैं, जहाँ पे चिड़िया बैठ नहीं सकती, मतलब चिड़िया के बैठने का भी स्थान नहीं बचा है, चिड़ियों का घरौदा छीना जा चुका है मनुष्यों के द्वारा, पेड़ों की कटाई हो चुकी है, तो जो जंगली जीव जंतु हैं उनको रहने का बैठने का स्थान नहीं बचा है, कीड़े मकोड़ों के छिपने की जगह भी नहीं बची है। नो सन बरीज इट्स फीट इन शैडो। सूर्य की जो किरणें हैं वो पेड़ों के छाए तक नहीं पहुंचती। प्रकाश की किरणें जब पेड़ से टकराती हैं तो शैडो क्रिएट होता है, और शैडो के किनारे प्रकाश की किरणें होती हैं, तो जब पेड़ ही नहीं है तो शैडो नहीं है, और फिर प्रकाश की किरणें शैडो के किनारों तक नहीं पहुंच पाती हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। जंगल जो कि इस रात पूरी तरह से खाली है, सुबह होने तक पूरी तरह से भर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि सारे पेड़ वहीं जा रहे हैं। All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. जो roots हैं, जड़ें हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पूरी रात कार्य करती हैं, और यह कार्य क्यों करती हैं? अपने आप को अलग करने के लिए, उन cracks से, उन छिद्रों से जो वरामदा के फर्श पे बनी है, मतलब जहाँ पे पेड़ होते हैं
अगर हम अपने लान में लगाते हैं तो फर्श में क्रैक पड़ जाता है, तो उन क्रैक्स से अलग करने के लिए जड़ें रात भर कार्य कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन फॉरवर्ड टूवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वो शीशों की तरफ, जो कमरे में शीशे लगे हुए हैं उनकी तरफ बढ़ने के लिए गहन परिश्रम कर रही हैं। स्मॉल ट्विक्स स्टीप विथ एक्सर्शन, और जो छोटी टहनियां हैं वे भी बाहर निकलने के लिए कठिन श्रम कर रही हैं। एक्सर्शन में श्रम होता है और स्ट्रेन में गहन परिश्रम होता है, तो पत्तियां और छोटी टहनियां भी बाहर निकलने के लिए कठिन परिश्रम कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉब सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जो लंबी लंबी मोटी मोटी शाखाएं हैं और वे जो छत के नीचे हैं, मतलब घरों के अंदर हैं, तो पेड़ों की वे लंबी लंबी मोटी मोटी शाखाएं भी बाहर निकलने के लिए पैर घसीट घसीट कर निकलने का प्रयास कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई पेशेंट, कोई रोगी जब डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से तो जिस तरह से घसीट घसीट के चलता है, ठीक उसी तरह से लंबी और मोटी शाखाएं छतों के नीचे से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। हाफ डैश्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, ठीक उन रोगियों की तरह जो जिनका सर चकराया रहता है और वे आधा अधूरा चलते हैं या घसीट के चलते हैं जब वे क्लिनिक से निकलते हैं। तो आई सीट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं बैठा हुआ हूँ अपने घर में और दरवाजे खुले हुए हैं बरांडा की तरफ। घर में पोएट अपने आप को बता रहा है कि मैं घर में अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ जिसके दरवाजे बरामदे की तरफ खुले हुए हैं, और मैं बैठकर क्या कर रहा हूँ, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और बैठा बैठा मैं लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और इस पत्र में मैं लिख रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से लिख पा रहा हूँ, यह जो वृक्षों का, पेड़ पौधों का प्रस्थान है जंगल की तरफ, घरों से, घर से जो पेड़ पौधे निकल कर प्रस्थान कर रहे हैं जंगल की तरफ, इस बारे में मैं लिख रहा हूँ, पर बहुत मुश्किल से लिख पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कष्ट हो रहा है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, रात बिल्कुल ताजी है, ताजगी से भरी हुई है और पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन द स्काई स्टिल ओपन, आसमान खुला हुआ है, बादलों का नामो निशान नहीं है। इन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचेन स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, पत्तियों और काई, लीव्स मतलब पत्तियां, लाइचेन मींस काई, तो जो पत्तियां हैं या जो काई है उसकी स्मेल, उसकी खुशबू मुझ तक पहुंच रही हैं, जो मेरे कमरे तक पहुंच रही हैं, और यह खुशबू मुझे उनकी आवाज़ जैसी लग रही है, क्योंकि जब कुछ लोग समूह में प्रस्थान करते हैं तो कुछ आवाज़ें होती हैं, तो ऐसा आवाज़ जो खुशबू के रूप में मुझ तक या मेरे कमरे तक पहुंच रहा है, मैं सुन रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, मेरा सिर खुशफुसाहटों से भरा हुआ है, क्योंकि जाते समय जो बातें हो रही हैं आपस में पेड़ पौधों की, जो प्रयास हो रहे हैं, तो जो फुसफुसाहट हो रही है उससे मेरा सिर भरा हुआ है, जो सुबह, कल सुबह तक शांत हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह तक फिर कोई यहाँ बचेगा नहीं, सभी जा चुके होंगे। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, सुनो शीशा टूटा, मतलब शीशा के टूटने से जो आवाज आई है उसे सुनो, खिड़की से शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ये जो पेड़ पौधे हैं
ये लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के समय, विंड्स रश टू मीट देम, और जो हवा है वो भाग रही है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चंद्रमा एक दर्पण की भांति टूटा हुआ है, जैसे शीशा या दर्पण टूट जाता है, ठीक वैसा ही लग रहा है कि चंद्रमा भी टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओए, और जो इसके टुकड़े हैं वो सबसे लंबे ओए पेड़ के मुकुट में चमक रहे हैं।